Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Cooking with Shaikha। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं और एकदम बढ़िया है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, और वो रेसिपी क्या है? वो है वाइट कोरमा, यानी मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चिकन ग्रेवी, जो बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल आपको शादियों में खाने वाला टेस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे इंग्रेडिएंट्स के ओर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है चिकन 750 ग्राम्स, ऑनियन 2 मीडियम साइज चॉप्ड, कर्ड 100 ml, कुकिंग ऑयल 2 बड़े चम्मच और 1 स्पून घी लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ईच, बादम काजू का पेस्ट, क्रीम 50 ml, वाइट पेपर 2-3 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, पेपर 10 पीसेस लिया है, तेज पत्ता 2, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2, लौंग 2, दालचीनी 1, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिल्ली 10 लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अब हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करेंगे और रखेंगे एक बर्तन। तो अब इसमें जाएगा हमारा 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद सबसे पहले डालेंगे इसमें काली मिर्च। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जाएंगे हमारे सारे खड़े गर्म मसाले और तेज पत्ता, और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद जाएगी हमारी बारीक कटी हुई प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लिया है, उसको बारीक सा चॉप कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको भी हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स, उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको ब्राउन होने नहीं देंगे, इसका कलर एज यूजुअल पिंक ही रहेगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब जाएगी इसमें चिकन, जो मैंने 1 टीस्पून विनेगर के पानी में अच्छी तरह से धोकर क्लीन किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और इसके बाद इसमें जाएगा नमक। मैंने 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा, और डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने 1 टीस्पून ईच लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे और कुछ देर के लिए इसको ढककर पकाएंगे, ताकि इसमें का जो भी पानी है वो बाहर आ जाए, लेकिन स्लो फ्लेम पे। ठीक है दोस्तों, आप चलिए इसको खोलेंगे, ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ है ना। तो इस पॉइंट पे आप डालेंगे हमारा दही, तो दही डालकर हम इसको एक मिक्स देंगे, और डालेंगे हरी मिर्च जो मैंने बीच से स्प्लिट किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, हम इसको बॉईल होने के लिए पानी डालेंगे। आप चिकन को तब तक पकाइए जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो जाता। और अब इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जाएगा गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद जाएगा बादम और काजू का पेस्ट। मैंने 20 बादाम और 20 काजू को लेकर मिक्सर में चलाकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये गए हमारे सारे मसाले, और कुछ मसाले बाकी है वो हम लास्ट में डालेंगे। इसमें डालेंगे सारे वाइट इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए आप देख सकते हैं ना हमारी ग्रेवी कितनी वाइट है करके, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चिकन कितनी पकी हुई है दोस्तों। और उसके बाद जाएगा इसमें फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी, जो मैंने हल्के से भूनकर क्रश कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद इसको ढककर दम पे छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, तो चलिए 5-10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। अब ये देखिए हमारा वाइट कोरमा एकदम रेडी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वाइट कोरमा रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, और किसी भी चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया रहेगा रोटी के साथ और
पुलाव के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए अपने किचन में, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये चिकन की ग्रेवी कैसे लगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।